हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप के बारे में। फॉर्म फिलअप करने से पहले अब हम शॉर्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो अप्रेंटिस के लिए पोस्ट जारी की गई है, फिटर के लिए 200 पोस्ट हैं, टर्नर के लिए 20 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट के लिए 56 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए 88 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए 112 पोस्ट हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 12 पोस्ट हैं। इन सभी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 492 है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन या 10th पास होना चाहिए, साथ ही ITI कंप्लीट होना चाहिए NCVT से। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस है। इसके लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके 10th क्लास मार्क के अनुसार तैयार की जाएगी। इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 15 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। एज का जो काउंट है वो 15/9/2021 से किया जाएगा। यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए अपर एज में 3 साल की छूट दी गई है और SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज में 5 साल की छूट दी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट का जन्म 15/9/1997 से 15/9/2006 के बीच हुआ होना चाहिए। OBC कैंडिडेट का जन्म 15/9/1994 से 15/9/2006 के बीच हुआ होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट का जन्म 15/9/1992 से 15/9/2006 के बीच हुआ होना चाहिए। PWD कैंडिडेट के लिए अपर एज में 10 वर्ष की छूट दी गई है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2021 है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से अब हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपका इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अप्रेंटिस पोर्टल यानी कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या कैंडिडेट कोड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यदि आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है तो आप रिसेट पासवर्ड या फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन में क्लिक करने के बाद इस तरीके से कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंटर करना है। सजेस्ट में आपको चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा या फिर एस्टेब्लिशमेंट नंबर के द्वारा भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का ही नंबर है। इसके बाद यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस पोस्ट शो होने लगेंगी। इसके बाद अब आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें फिटर पे अप्लाई करना है तो हम फिटर के सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप पोस्ट डेट देख सकते हैं, यानी कि यह पोस्ट कब जारी की गई है। यदि आप इसके बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप व्यू में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई डेट देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और इसके लिए क्या सैलरी है। आप जिस भी पोस्ट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इसी प्रकार आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं।
आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।